आप भैया? हाँ बोला। बच्चा लोगों को छोड़ दीजिए। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बड़े साहब हैं, उनसे मिलिए, जो करना होगा वही करेंगे। अच्छा ठीक है। भैया? हाँ बोलो। वो बड़े साहब अंदर हैं क्या? बड़े साहब? हाँ हाँ जाओ। अच्छा जाओ। अरे दावड़े, चाय का क्या हुआ? ए, इसको बोला रे, हेड़ा है क्या? इधर नहीं बोलने का। साहब बता सा कि हम बाबूजी हैं, गांव से आए हैं, वो बच्चा लोग के जमानत कर दे तो बहुत कृपा होती। तू कहीं का कलेक्टर है, तू बोले घर में छोड़ देगा है? तुम लोग का यही लोचा है, गांव से इधर आके लफड़ा करेगा और हम लोग पीछे पीछे दौड़े तुम्हारा बच्चा लोग के। साहब बच्चा लोग उनसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। FIR हुआ है तुम्हारा बच्चा के खिलाफ, सेलिब्रिटी का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे राहुल जी और आम्रपाली जी ही कर सकते हैं, उनसे जाके बात करो, वही कुछ करेंगे। मेरा मतलब है साहब, वो नंबर वन मिल जाता तो हम बतिया लेते उन लोगों से। बड़ा लफड़ा है रे, तुम लोग गांव से आके इधर इतना लोचा करेगा, फिर हम लोग और समझा अपना बेटा को। जी जी। इधर आया तो लफड़ा ना करे। हा? हाँ जी। मुंबई है ये। हाँ हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। चल तावड़ा चाय बोल। हेलो। हाँ बेटा। हम इधर जीत बोलता था नहीं, बता सके बाबूजी? जी अंकल नमस्ते, कहिए। हम यहाँ बॉम्बे आए हैं बेटा, ओसीवर आप थाना से बोल रहे हैं। बेटा इनकी गलती के लिए हम माफी मांग रहे हैं, इनका जमानत करा दो बेटा। हम कल ही इनको गांव लेके चले जाएंगे। अब पुलिस ने इनको बहुत मारा है बेटा, बहुत मारा है। अब गलती तो हो गई है, थोड़ा रहम करो। अंकल आई एम वेरी सॉरी, ये सब कुछ करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, ये तो सब बताशा की वजह से हो गया। पर अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पुलिस से बात करके उनकी जमानत करवाती हूँ। हाँ हाँ बेटा। कौन था? बताशा के पिताजी थे यार, वो यहाँ मुंबई आ गए हैं उन लोगों को लेने। तुम एक काम करो, प्लीज पुलिस को कॉल करो और कंप्लेन वापस ले लो, वो लोग सब गांव चले जाएंगे एंड इट विल बी डन। सिर्फ तुम कह रही हो ना, इसलिए मैं कंप्लेंट वापस ले लेता हूं, लेकिन मुझे डाउट है कि ये आदमी फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, तुम देख लेना। प्लीज यार कुछ नहीं होगा। जी इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए उन लोगों को। जी बिल्कुल ठीक है राहुल जी, जैसा आपको सही लगे। ते भैया आयत ना, तेना सोड़ दे। अच्छा बोले एक।